छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित 8 जिलों के 18 विधानसभा सीटों पर कल मतदान का काम पूरा हो गया। नक्सलियों की धमकी के बावजूद लोगों ने जमकर मतदान किया। पहले दौर में 70% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह मतदान कुछ धीमा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही इसमें तेजी आई। सबसे अधिक 72% मतदान खुज्जी में और सबसे कम 33% बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया। माओवाद से पीड़ित ऐसे 10 विधानसभा क्षेत्र जहां मतदान दोपहर 3 बजे तक चला, वहां 52% औसत मतदान हुआ, जबकि बाकी 8 क्षेत्रों में जहां शाम 5 बजे तक वोट डाले गए, वहां मतदान प्रतिशत लगभग 70% रहा। सुकमा जिले के पालाबुड़ा और दंतेवाड़ा के मुलर और निलवाया 3 ऐसे मतदान केंद्र है जहां लगभग 15 वर्षों के बाद लोगों ने वोट डाले। We have received the turnout is on an average 70%, and we hope that the turnout would probably match the polling turnout last time or maybe exceed. We'll share you the figures in many districts like Dantewada, in Kanker, in remote areas where there was almost nil turnout. This time there was very, very enthusiastic participation. A good number of voters came out and they participated. और हम सीधा छत्तीसगढ़ में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नवविक्रम, कल दिन भर आपने मतदान की अच्छी तस्वीरें हमें दिखाई थी और अब आंकड़ों की बात करें तो 70% के करीब मतदान हुआ है कल। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रीति आपको बताना चाहूंगा, जो लोकतंत्र के रंग जो कल देखने को मिले यहाँ बेहद दिलचस्प थे। जो 70% मतदान की जैसे आपने बात की, ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि बस्तर का जो ये पूरा संभाग है, यहाँ नदी जंगल कई ऐसी जगह हैं, जंगलों में कई रिमोट एरियाज में जो पोलिंग पार्टियां गई थी वो देर शाम के बाद लौटी, तो ये जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद है। और इसके साथ ही जब लोग नदी पार करने के लिए नाव से वोट डालने आए या फिर जंगलों में घाटियों से जत्थे के जत्थे वोट डालने के लिए निकल रहे थे, तो ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प था प्रीति। और अगर आपने जो राजनीतिक विश्लेषकों की बात की है, देखिए आदिवासी बहुल इलाका है, निश्चित तौर पर जो यहाँ के आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से उठाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि एक रुपए किलो में राशन की, अगर इन योजनाओं का जिन्हें लाभ मिला है, अगर वो वोटर अपने घरों से निकला होगा तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। जबकि कांग्रेस की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2013 में यहाँ पर एक घटना हुई थी जो कांग्रेसी नेताओं के साथ, कई कांग्रेसी नेता मारे गए थे। ऐसे में बस्तर को वो अपना, बस्तर में 8 सीटें जीती थी कांग्रेस 12 में से, तो अपनी जमीन खोना नहीं चाहती, तो कांग्रेस ने भी जोर शोर से प्रचार किया था। नतीजे दिखाएंगे कि क्या होता है, लेकिन ये मैं आपको सबसे जो अहम बात है कि कल पूरे दिन कोई हादसा नहीं हुआ। नक्सलियों की तमाम धमकियां थी, 10 सीटों पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि यहाँ वोटिंग के लिए मतदाताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन मतदाताओं ने सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम बातचीत के लिए, आपका अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं छत्तीसगढ़ में अब दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों के दिग्गज नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि देश को पूरा बनाना है और देश विकास की तरफ ले जाना है, इसलिए देश को जात पात के बंटवारे से बाहर लाना होगा। आज छत्तीसगढ़ में बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का हमें लगातार सौभाग्य मिलता है। उसका एक कारण, यहां के जनता जनार्दन
और सरकार के बीच में संगठन के कार्यकर्ताओं की मजबूत कड़ी है जो सरकार के क्राम कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वो आज तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत 2019 में बीजेपी की जीत का आधार रखेगी। छत्तीसगढ़ को 15 साल में एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया है। 9000 करोड़ का बजट छोड़ कर गए थे ये जोगी बाबा, उसको कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस के लिए भाजपा के वोट काटने के लिए घूम रहे हैं। ये 9000 करोड़ का बजट छोड़ कर गए थे, आज वो बजट बढ़ाकर 9000 करोड़ से बढ़ाकर 83000 करोड़ करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उनका आज भी कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वो आज महासमुंद में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना के साथ ही सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में पहले दिन 23 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 20 तारीख को होगी, जबकि 22 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में मतदान एक चरण में 7 दिसंबर को होगा। और इस बीच बीएसपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसके अलावा तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन सोमवार को राज्य में 48 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। राज्य में मतदान एक ही चरण में 7 दिसंबर को होगा। टीआरएस जहां फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन भी बाजी जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। और इस बीच कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार रात जारी कर दी। इसके मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी हुजूरनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये सूची जारी की गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी ने भी 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस सरकार की सिफारिश पर 6 सितंबर को 119 सदस्य विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने से 8 महीने पहले ही भंग कर दी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम सोमवार को पूरा हो गया। कल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ चंफाई उत्तर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। चंफाई उत्तर विधानसभा सीट के नामांकन पत्रों की आज फिर जांच होगी। 40 सदस्य राज्य विधानसभा के लिए 28 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच चुनाव आयोग ने मिजोरम सरकार से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पद के लिए पैनल में 2 और नाम भेजने को कहा है। मिजोरम सरकार ने राज्य के नए मुख्य चुनाव अधिकारी पद के लिए 3 आईएएस अधिकारियों के नाम भेजे हैं। अभी तक मुख्य चुनाव अधिकारी एसबी शशांक को हटाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।